स्थानीय पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अवैध रेहड़ी फड़ी वालों को बाजार में नहीं बैठने देंगे। थड़ी वाले रेहड़ी वाले बैठते हैं जो बाहरी बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, बिना वेरिफिकेशन के बैठ रहे हैं, उस बारे में आज मुद्दा था, कॉल करी गई थी। तो हमने पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रुमित जी को, हमारे सारे काउंसलर्स को, सभी को, चाहे नरेंद्र ठाकुर जी हैं और दीपू जी हैं और विनय हैं और सभी काउंसलर विशाखा जी हैं, अपने मल्याना वाले काउंसलर हैं, सभी को बुला के इस मामले पे काफ़ी लंबी डिस्कशन करी है और पूरा विश्वास दिलाया है कि कानून लेके आएंगे कि जो तह बाजारी पे बैठते हैं बाहर से आके, क्योंकि 190 रजिस्टर है, इतने सारे कैसे बैठ रहे हैं, उसके बारे में बात करी है। एक मिनट पहले मैं अपनी बात कर लूँ। तो उसके बारे में बात करी है, पूरा विश्वास दिलाया है कि उनके ऊपर जरूर कानून बनेगा और जल्दी बनेगा, इमीडिएटली। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।